मकदम, आप ये बताइए कि आज यहाँ आपने स्टार्ट किया इलेक्शन कंपेन, तो इस हवाले से ये बताइए आप कहाँ कहाँ गई हो और आज आपने क्या देखा कि आने वाले इलेक्शन में क्या रद्दमल है? लोगों में बहुत दम है, घुटन है। 5 साल से आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के हालात क्या है। जम्मू कश्मीर को आप मानिए एक जेल में तब्दील किया गया है। और मैं यहाँ बहुत नौजवानों से मिली, लेडीज से मिली, यंग लड़कियों से मिली जो कॉलेज में पढ़ती हैं, और सब कह रहे हैं कि उनको दम है, घुटन है, कोई उनकी बात नहीं करता, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। बहुत सारे यहाँ लड़के हैं जिनने कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है ये इलेक्शंस जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत जरूरी हैं, बहुत अहम है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला इलेक्शन यहाँ कब होगा और जो हमारे मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, जैसे 370 को कैसे गैर कानूनी तरीके से हटाया, वो पार्लियामेंट में ऐसे बंदे को आर्टिकुलेट करना आएगा जिसमें दम होगा, जिसकी आवाज ऊंची उठेगी। तो आप खुद जानते हैं जम्मू कश्मीर में अभी जो सियासतदान है वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। महबूबा जी शायद एक ऐसी सियासतदान है वाहिद जिनने हमेशा 2019 से बात की है लोगों के इश्यूज के बारे में, आर्टिकल 370 जैसे हटा। सो दे शुड मेक श्योर दैट दे वोट फॉर अ वॉइस दैट्स अ स्ट्रांग वॉइस, दैट्स अ बोल्ड वॉइस। क्या लग रहा है कि जो इलेक्शन आने वाला है, क्या लग रहा है कि पीडीपी क्या सफल हो जाएगी? मैं तो कोई अंतर्यामी नहीं हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को महबूबा जी में यकीन है। वो जानते हैं कि महबूबा जी ने कंसिस्टेंटली 5 सालों से उनके इश्यूज के बारे में बात किया है। सो दे हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन महबूबा जी एंड इंशाल्लाह दे विल सपोर्ट हर। आप ही बताइए कि कल मियां साहब का एक स्टेटमेंट आया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मेरा सेहत ठीक नहीं है, तो उसी दौरान दूसरा स्टेटमेंट आया मैं ठीक हुआ, तो ये क्या है? वो आप उनसे पूछिए, मैं कैसे बताऊं। लेकिन देखिए, मियां साहब की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो आई होप कि अगर उनकी तबीयत खराब है और न्यूज में तो यही आया है, आई विश हिम अ स्विफ्ट रिकवरी एंड आई होप ही फील्स बेटर सून। हर एक चीज पॉलिटिक्स और सियासत के बारे में नहीं होती है, तो थोड़ी डिसेंसी और सिविलिटी भी दिखानी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं खासकर अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट? मैं अनंतनाग और राजौरी पुंछ के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी आवाज और आपका वोट दोनों मैटर करता है, इसलिए अपना वोट उसी बंदे को दे जो आपकी बात आगे बेबाकी से रखेगा। ऐसे बंदे को वोट ना दे जो डर डर के फिर उन्हीं 5 सालों छुपा रहे और पार्लियामेंट में नल और नलके और ड्रेन्स के बारे में बात करे। जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए बात करने के लिए आपके दिल में, मतलब यू शुड बी बोल्ड, आपको करेजस होना चाहिए, और महबूबा जी से बेहतर वो कोई आवाज हो ही नहीं सकती। महबूबा जी इज द राइट चॉइस फॉर द पीपल ऑफ साउथ कश्मीर।